जहां एक तरफ रोहित शेट्टी अपनी फिल्म गोलमाल अगेन की सफलता को एंजॉय कर रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं, वहीं पर रणवीर सिंह बिजी हैं अपनी फिल्म पद्मावती को लेकर। लेकिन दोनों के बारे में बात इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि खबरों के मुताबिक दोनों मिलके एक फिल्म बनाने वाले हैं। जी हां जनाब। हे गाइस, व्हाट्सएप, नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट, जहां पर आपको मिलती है बॉलीवुड और टेलीविजन की दुनिया से जुड़ी तमाम लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। खबरें तो पहले भी थी लेकिन इस बार सुर्खियों में सबसे ज्यादा है। दरअसल रोहित शेट्टी एक फिल्म की प्लानिंग कर रहे हैं और इस फिल्म में लीड एक्टर होंगे रणवीर सिंह। देखा जाए तो एक तरफ रोहित शेट्टी को बॉलीवुड का सुपर डायरेक्टर कह सकते हैं और रणवीर सिंह विदाउट एनी डाउट सुपर एक्टर तो हैं ही। तो इन दोनों की जोड़ी अगर मिलेगी और एक साथ फिल्म में नजर आएंगे तो जरूर ये कोई बड़ी धमाकेदार फिल्म होने वाली है। तो आपको बता देते हैं, जिस फिल्म की प्लानिंग चल रही है वो साउथ फिल्म की रीमेक होगी। अब उस साउथ इंडियन फिल्म का नाम भी सुन लीजिए जिसकी रीमेक ये लोग बना सकते हैं। दरअसल वो फिल्म होगी जूनियर एनटीआर की फिल्म टेंपर का रीमेक। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात है फिल्म को लेकर, वो ये कि रणवीर सिंह इस फिल्म में न सिर्फ लीड एक्टर होंगे बल्कि फिल्म को प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर खबरों के मुताबिक एक टिपिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म बनने वाली है जिसमें रणवीर सिंह और रोहित शेट्टी साथ में काम करने वाले हैं। वैसे पहले साथ में दोनों एक एड के लिए काम कर चुके थे और अब टेंपर फिल्म के रीमेक में साथ में नजर आ सकते हैं। वैसे कहा तो ये जा रहा है कि ये फिल्म 2018 के एंड तक रिलीज होगी। हालांकि अभी तो फिल्म फ्लोर पर भी नहीं है, खबरों के मुताबिक सिर्फ प्लानिंग चल रही है, बट ऐसा लगता है कि 2018 के क्रिसमस पर ये धमाका करने का सोच रहे हैं और कर भी सकते हैं क्योंकि दोनों के सितारे बुलंदियों पर है। फिलहाल इस फिल्म से जुड़ी ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट अपडेट। कुछ ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग चीजें जानने के लिए, लेटेस्ट अपडेट्स को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फिल्मी बीट को।